हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में 3D में लाइन से आने वाले प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में कैसे थिंक करना है, इसके प्रॉब्लम को एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी कोई पॉइंट गिवन होगा, तो चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स डायरेक्शन का होगा, दूसरा वाई डायरेक्शन का होगा, तीसरा जेड डायरेक्शन का होगा। ऑलवेज आप कैसे पहचानेंगे कि कोई गिवन इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, तो वेरी सिंपल, वो इस तरह के फॉर्मेट में होगा, राइट। यहाँ पे जो स्पेशली एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको एक्स का कोफिशेंट, वाई का कोफिशेंट और जेड का कोफिशेंट, मतलब एक्स के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 1 है, और वो भी प्लस में, राइट। तो कहने का मतलब कि एक्स का कोफिशेंट, वाई का कोफिशेंट, जेड का कोफिशेंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक्स माइनस समथिंग अपॉन कुछ नंबर होगा, वैसे ही वाई प्लस माइनस समथिंग अपॉन कुछ नंबर होंगे, जेड प्लस माइनस समथिंग अपॉन कुछ नंबर होंगे, राइट। तो ये है एक इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। अब यहाँ पे ये जो एक्स में से जो भी माइनस आपने किया या वाई में से या जेड में से, ये वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है जिससे ये लाइन पास हो रही है। जैसे इस केस में यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस होगा तो पॉइंट कौन सा होगा, प्लस में 2 वाला, यहाँ पे प्लस है तो पॉइंट कौन सा होगा, माइनस में 4 वाला, राइट। कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में 5, मतलब 2, -4, -5 से ये लाइन पास हो रही है। जो भी एक्स में से समथिंग प्लस माइनस करोगे ऊपर में, वो पॉइंट को बताएगा जिससे ये लाइन पास हो रही है। नीचे वाला नंबर क्या बताता है, नीचे वाला नंबर आपको बताएगा कि ये लाइन इस वेक्टर के डायरेक्शन में, डैट मीन्स 3i -2j+2k के डायरेक्शन में ये लाइन है। ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हमने लेमडा एज्यूम कर लिया, इसलिए क्योंकि इस लाइन पे अगर कहीं पे भी आपको पॉइंट एज्यूम करना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एकदम अच्छे समझना कि इस लाइन पे मेरे को कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट लेना हो, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर करके और ये पॉइंट को ऐड कर देना। जैसे इस केस में देखो क्या हो जाएगा, 3λ+2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का। वैसे ही -2λ-4, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और वैसे ही 2λ+5, ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो आप ऑलवेज ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, इससे बहुत सारा फ़ायदा हो गया। अब इस लाइन पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट का ये है कोऑर्डिनेट, राइट। तो किसी दूसरे पॉइंट का अगर मुझे मिरर इमेज निकालना हो तो वो इधर कहीं पे आएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको गिवन होगा, ये पॉइंट आपको मालूम है, राइट, गिवन होगा। सपोज लेट से अल्फा, बीटा और गामा गिवन है, आपको ये पॉइंट मिल चुका है, राइट, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये लाइन या ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, राइट। और ये वाले जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 0। तो उससे क्या आ जाएगा, लेमडा, डैट मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की, यस। कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही x-x1/x2-x1, राइट, दोनों को डिफरेंस कर देंगे। एक और कि मिरर इमेज निकालना हो तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, राइट, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ध्यान से देखो, मैं इसी में सब कुछ बता रहा हूँ कैसे आपको थिंक करना है। तो किसी पॉइंट का मिरर इमेज तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भी आपको ऐसे ही करना है, राइट, या फिर ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं वो चेक करना हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 करना आपको। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, दो लाइन कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होगी, तो ये आप कैसे पहचानेंगे, तो वेरी सिंपल, जो लाइन आपको गिवन होगा वो किस पॉइंट से पास हो रहा है आपको पता लग जाएगा यहाँ से, राइट, और दूसरा लाइन भी किस पॉइंट से पास हो रहा है पता लग जाएगा। तो दोनों के पॉइंट का डिफरेंस ले लेना, एक्स का, वाई का, जेड का, और नीचे में डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, ये a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, वैसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, और इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है तो लाइन आपका एक ही प्लेन में, राइट। एक और पॉइंट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन अगर निकालना हो तो सिमिलरली यही वाला चीज़ ऐसे कर देना। नीचे में क्या करना, ध्यान रहे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, नीचे में क्या करना आपको, डायरेक्शन रेशियो वाला को ऐसे आपको इसलिए दिखाया मैंने एरो से, a1 b2 माइनस
ए टू बी वन और इसका होल स्क्वायर, फिर वैसे ही बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू उसका होल स्क्वायर, वैसे ही ए वन सी टू बच गया और ए टू सी वन उसका होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है अगर दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो, ये दो लाइन को चेक करना हो कि एक ही प्लेन में, तो उसके लिए समझे। और इस वाले पॉइंट में मैंने बहुत सारा चीज़ बता दिया कि आपको किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना हो या पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो या फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, सब आपको यहीं से थिंक करना। ये पॉइंट आपको क्विकली लेने आना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, राइट। इस चीज़ को मैं एक और पॉइंट से यहाँ से समझाता हूँ कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप देख करके बता दोगे कि ये लाइन की इक्वेशन है, राइट। लेकिन अभी आप ये मत कर देना कि ये लाइन 2,7,2 से पास हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि x का कोफिशियंट आपने 1 नहीं बनाया, राइट। यहाँ y का कोफिशियंट नेगेटिव है, यहाँ z का कोफिशियंट 3 है, तो डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो आप 2 निकालोगे बाहर, तो ये x माइनस 1 3 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं y माइनस 7, नीचे में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5, और इसमें 3 कॉमन लोगे तो ये z माइनस 2 बाई 3 और ये 2 बाई 3 यहाँ हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि ये लाइन 1,7,2/3 से पास हो रही है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3/2i-5j+2/3k। इस बात को समझना, यही कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना अगर कोई ऐसे गिवन है तो, और वहाँ से आप बताना कि किस पॉइंट से पास हो रहा है और किसके डायरेक्शन में, राइट। तो नीचे वाला जो ये नंबर होता है इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, पहला वाला एक्स को या आई कैप को बताता है, दूसरा वाला वाई को, तीसरा वाला जेड को। एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, इट इज़ नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एल से अगर रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन वाले को, तो डेट इज कॉस अल्फा, एम तो कॉस बीटा, एन तो कॉस गामा। चूँकि एक यूनिट वेक्टर है तो ऑलवेज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होगा, डेट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म लाइन का अगर लिखना हो तो वो भी वही सिंपल है। ये जो आर है वो एक्चुअली क्या है, कोई भी पॉइंट, यही एक्चुअली कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो डेट इज इक्वल टू ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में, तो वही चीज़ है। ये एकदम कंपेयर कर लेना, पॉइंट ए से पास हो रहा है पॉइंट बी की डायरेक्शन में। वैसे ही अगर टू पॉइंट फॉर्म की बात करेंगे, अगर आपको मान लीजिए दो पॉइंट गिवन है तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट से लिख दो x माइनस समथिंग, नीचे में क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट x वाला x2 और इसका x1 है तो नीचे में क्या कर दोगे, x2 माइनस x1, वैसे ही y2 माइनस y1, वैसे ही z2 माइनस z1, तो आपको डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो वेरी सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में भी वैसा रहेगा कि ये पॉइंट ए से पास हो रही है और बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर देंगे तो उस डायरेक्शन में ये लाइन है, राइट। इसलिए एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो वेरी सिंपल, अगर एक लाइन पॉइंट ए से पास हो रही है और बी वन के डायरेक्शन में, दूसरी लाइन पॉइंट सी से पास हो रही है और बी टू के, तो सिंपल आपको करना है कि जिसके डायरेक्शन में उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, नीचे में उनका मैग्नीट्यूड तो कॉस थीटा आ जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है मतलब लाइन क्या हो गई है, परपेंडिकुलर हो गई, राइट। तो ये वही वेक्टर का ही पॉइंट है। तो आई होप मेरा पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं इस पर बेस्ट प्रॉब्लम लेकर के भी आपको बताता हूँ कैसे थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वैल्यू ऑफ के, तो आप ही सोचो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो जाएंगी, राइट। तो लाइन L1 अगर ध्यान से देखो तो यहाँ ध्यान से देखो K माइनस 1 और 1 इस पॉइंट से पास हो रही है और 2,3,4 ये डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशियंट 1 है तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। लाइन L2 के बारे में बात करें तो ध्यान से देखो 3,9/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो तो कॉमा जीरो इस पॉइंट से पास हो रही है और कौन से डायरेक्शन में, 1,2,1 के डायरेक्शन में, राइट। तभी बताया आपको कि ये x2 y2 z2 हो गया और ये x1 y1 z1 हो गया, तो x2 माइनस x1 करना है आपको और उसका डिटरमिनेंट जीरो रखना है, राइट। तो 3 माइनस k हो गया, राइट, क्विकली 9/2 माइनस ऑफ माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 1 और 0 माइनस 1 तो माइनस 1
उसका डायरेक्ट नीचे तो 2 3 4 1 2 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या कर देना आपको 0। अब इसको क्विकली सॉल्व कर लेंगे, राइट, 3 माइनस के तो ये वाला गया, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, राइट, इधर ये 11/2 हो गया, राइट, तो ये वाला गया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, और ये -1, राइट, और ये गया तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, राइट, और दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो किया जाएगा 1। कहने का ये मतलब है कि सॉल्व कर करके के में इक्वेशन आएगी तो फिर उसको सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट पुट करके देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। बाय द वे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होता तो हम डायरेक्ट पॉइंट पुट करके देखते। क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो आप, राइट, ये लाइन हो गई जो किस पॉइंट से पास हो रही है, ध्यान से देखो, 6, 7, 7 इस पॉइंट से पास हो रही है, राइट, और किस डायरेक्शन में है ये, अगर इसका वेक्टर डायरेक्शन देखें तो 3i 2j-2k की डायरेक्शन में, राइट, एक पॉइंट होगा ये, डैट इज 1, 2, 3, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, अभी आपको बताया कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, जैसे मुझे ये पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्विकली क्या हो जाएगा, आपको क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई कर देना लैम्डा से, तो ये पॉइंट अगर मैं क्यू मान रहा हूँ तो क्यू का कोऑर्डिनेट देखो, क्विकली लिख रहा हूँ मैं, कैसे हो जाएगा 3λ + 6, राइट, वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा 2λ + 7, राइट, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस में 2λ + 7, ये पॉइंट आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पॉइंट P मालूम है, Q मालूम है, तो क्या ये वेक्टर मालूम है मुझे, राइट, वेक्टर PQ निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, राइट, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है 3λ + 6 माइनस क्या हो जाएगा 1, राइट, दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो 2λ + 7 माइनस 2, और तीसरा कोऑर्डिनेट -2λ + 7 - 3, तो क्विकली कितना गया, ध्यान से देखो 3λ + 5, ये 2λ + 5, और ये -2λ + 4 आ गया xyz, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट, उनसे मतलब इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इनको 2 से, इसको -2 से, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 9λ + 15, ये कितना हो जाएगा 4λ + 10, ये -4λ हो जाएगा, और -±, और इन सब का सम कितना होना चाहिए 0, राइट, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखो 9λ 4λ कितना हो गया 13, और ये 17λ इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 15 10 25 - 8, तो कितना हो गया +17, राइट, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा आ गया आपको -1। लेमडा आते ही मुझे ये पॉइंट मिल गया, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, -1 पुट करूँगा तो -3 + 6, तो कितना हो गया वो पॉइंट 3, जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो एक्चुअली में 3 हो गए, यहाँ पे पुट करो -1 तो -2 + 7, तो कितना हो गया 5, और यहाँ पे -1 तो 2, 7 तो 9, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपको, कितना हो गया 3, 5, 9। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझो बेटा, कंसेप्ट एक ही होते हैं। अब इस टाइप पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1)² 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9 9 - 3 तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये देखो ये आ जाएगा आपका 49, डैट मीन्स 7, तो आंसर तो मेरा आ चुका है, डैट इज 7। इसमें और भी पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे पॉइंट क्यू ही पूछ लेता कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट क्यू क्या है, तो वो आ गया। अगर मुझे इस पॉइंट का मिरर इमेज पूछ लेता, राइट, तो ये मिड पॉइंट हो जाता, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल देते, राइट, या फिर ऑप्शन चूंकि आपको 4 गिवन होते, अगर ये पॉइंट मिरर इमेज है तो इनका इनका इन दो पॉइंट से वेक्टर निकाल लेता, और ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देता, जिस ऑप्शन में आ रहा होता वो हो जाते। तो ऐसे आपको थिंक करना बेटा, मैं सारा प्रॉब्लम तो करा नहीं सकता हूँ, जस्ट मैं आपके सोचने का आइडिया को चेंज कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में थिंक करना चाहिए। तो इसमें सारे पॉइंट कवर हो गए, किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या फिर पॉइंट का मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, या फिर पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा क्यू, वो
कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली वो पॉइंट क्यों लाइन पर लाइन करेगा, तो फिर उसको पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करके भी चेक कर सकते हैं, राइट। ये सब सोचना पड़ेगा बेटा। या फिर परपेंडिकुलर वाली लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट आ गया, टू पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है एट ए पे, तो राइट आप ड्रॉ कर लें एबीसी, राइट ए पे राइट एंगल है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, राइट। तो ध्यान दें ये सब जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको गिवन है, तो इसलिए वेक्टर ए बी अगर मुझे निकालना होगा तो बी माइनस ए करना पड़ेगा, और वेक्टर ए सी निकालना होगा तो सी माइनस ए करना पड़ेगा, राइट। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट, ये समझाने के लिए, राइट। तो बी के कोऑर्डिनेट और माइनस ए के, तो ध्यान से देखो, थ्री माइनस फोर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप वन हो जाएगा, तो राइट, और वन माइनस टू तो ये माइनस जे कैप, और ये क्या हो जाएगा, एट माइनस एक्स के कैप, राइट। वैसे ही वेक्टर ए सी अगर निकालूंगा तो ये चीज़ समझते हुए, ए सी मतलब जहाँ पे रुके, सी में से, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना, राइट। और ये सब जो आपको गिवन है ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में गिवन है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो c माइनस ए, तो ध्यान से देखो, c को a से, तो 2 माइनस फोर कितना हो गया, माइनस टू, माइनस वन और माइनस टू, तो माइनस थ्री, राइट, और 2 माइनस एक्स के कैप हो जाएंगे, राइट, क्लियर है। अब आपको ध्यान से देखो, अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो यहाँ से करो तो राइट, तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर से करो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू वन तो 3, और ये ध्यान से देखो प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बेटा क्वाड्रेटिक बनेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है, तो हमें पुट करके देखना। अगर मैं 3 लेता हूँ, ध्यान से देखो 3 लेता हूँ तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो ये माइनस 5 हो गया, ये प्लस 5, जीरो हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। यानी कि पूरा सॉल्व करना है, जस्ट मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि ये 5 बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये 5 कब बन सकता है, तो क्विकली मुझे 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में दो लाइन की इक्वेशन गिवेन है, आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान से देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैं लाइन को चेक करूँगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवेन है, यस, एक्स वाई जेड का कोफिशेंट प्लस में 1 है, इधर भी एक्स वाई जेड का कोफिशेंट प्लस 1 है, यहाँ पे देख लेना पहले, यहाँ पे धोखा नहीं खाना है। तो ये उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया, और ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। आपको क्या बोल रहा है कि ये वाला पहला वाला लाइन मानता हो अगर ऐसे है, दूसरा लाइन ऐसे है, तो एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, डैट मीन्स ऐसे होगा, राइट, तो इनसे भी 90 पे होगा, इनसे भी 90 पे होगा, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो से डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। ऑप्शन चेक करो बेटा, तो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें दो माइनस है, देखो माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 और 5 टू द प्लस 10 जीरो हो रहा है, इससे चेक कर लो माइनस 1 माइनस 14 माइनस 15 हुआ, 5 थ्री द प्लस 15, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऐसे करना बेटा आपको, ऐसा नहीं कि आपको मालूम है तो आप क्या करने चले गए, 3 1 2 और फिर इधर ये 1 2 3, ये आई जे के, और फिर आप इनसे एक वेक्टर निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उससे देख रहे हैं, ये सब बेटा कन्वेंशनल मेथड हो गया। एग्जाम में ऑप्शन मालूम है, अटैक करना है, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सारे प्लस हैं और इधर भी सब प्लस हैं, तो प्लस का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला उठाया, इसमें भी सब प्लस थे, इसमें एक ही माइनस था, इसमें दो माइनस था, इसलिए मैंने ये थिंक किया, तो ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी जिसका वर्टिसेस गिवन है, राइट, और बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्मूला लगा के करते हैं या छोड़ ही देते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं याद है, राइट, या थिंक ही नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखो कैसे करना है, सबसे पहले चूंकि 3D है तो थोड़ा सा इमेजिन करना है, अभी मैं ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस, पहले xy, राइट, z आपका ऐसे है प्लस z और माइनस z, ध्यान से देखो पहला पॉइंट, ध्यान से देखो 0 2 1, मतलब x 0 है, y पे आपको 2 जाना, राइट, और 1 मतलब यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे होगा, जस्ट इमेजिन करो। दूसरा पॉइंट माइनस 2 0 0, तो ध्यान से देखो माइनस 2 यहाँ पे 0 0, मतलब यही एग्जैक्टली यही पॉइंट है, ये आपका बोर्ड के प्लेन में और ये वाला पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे, राइट, हवा में। तीसरा पॉइंट देखो माइनस 2 0 और 2, मतलब यहाँ पे,
तो आप कुछ इमेजिन कर पा रहे हो, ध्यान से देखो, और ये पॉइंट यहाँ पे था, राइट। तो ध्यान से देखो कि अब जो ट्रायंगल बनेगा, राइट, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, राइट, और ये ऐसे होंगे और यहाँ वाला पॉइंट ऐसे होगा, राइट, ये मैच करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे होंगे, राइट, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या इस वाले ट्रायंगल का इन सेंटर, इन सेंटर किसको बोलते हैं, वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, ये क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें वाई आपका क्या है पॉजिटिव, जेड क्या आपका पॉजिटिव, राइट, इधर ये सिर्फ एक्स नेगेटिव है। तो जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसका एक्स नेगेटिव होना चाहिए, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, जेड पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन है, ये सारे पॉजिटिव गलत, ये सारे नेगेटिव, इसमें ये दो नेगेटिव है, तो ओनली ऑप्शन ए पॉसिबल। ऐसे आपको थिंक करना है, इमेजिन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 ऑन द लाइन आपको निकालना है। तो दो तरीके हैं, राइट, ये लाइन है, ये पॉइंट आपको गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये पॉइंट आपका मालूम है 1, 2, 3, राइट, और ये पॉइंट, ये चार ऑप्शन में से कोई है। तो सपोज कर लो, अगर ए लेता हूँ मैं 3, 5, 9, तो क्या ये वेक्टर मुझे आ गया है, राइट, 3 - 1 तो 2, 5 - 2 तो 3, 9 - 3 तो 6, ये वेक्टर आ चुका है। और ये वेक्टर आपको मालूम है कहाँ से, डेट इज 3, 2 - 2, क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ध्यान से देखो 6, 3 - 6, 6 - -12, यस 0 हो रहा है, डेट मीन्स ऑप्शन ए है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। एक और तरीका यह है कि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, x - 6 / 3 = y - 7 / 2 = z - 7 / -2। अब अगर ये लाइन है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट करके देखो क्या ये इक्वल हो रहे हैं सारे रेशियो। तो ध्यान से देखो, x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये भी -1 आएगा, और यहाँ पुट करोगे तो ये भी आपका -1 आएगा, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर बोले कि अलाइन मैक इक्वल एक्यूट एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डैट मीन्स एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया, राइट, ये एक्स एक्सिस होता है, एम वाई एक्सिस है और एन जेड एक्सिस है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो यू नो कि एक यूनिट वैक्टर होता है डायरेक्शन कोशाइन, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि रूट अंडर होता है, स्क्वायर लिया तो कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ से कॉस अल्फा आ गया 1/√3। तो कहने का मतलब है कि कभी भी अगर ये पॉइंट बोले कि लाइन मैक इक्वल एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन लेना हो तो डायरेक्ट 1/√3 ले लेना, और डायरेक्शन रेशियो आप कुछ भी ले सकते हो, ओनली थिंग इज कि तीनों सेम होना चाहिए, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, राइट, 1/2, 1/2, 1/2, जो आपको लगे जैसा वैसा ले सकते हैं, जनरली 1, 1, 1 ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो, बट डायरेक्शन कोसाइन ये होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो अगेन ज़्यादा प्रॉब्लम मैं नहीं करा सकता, आपको मालूम है वीडियो लेक्चर का लेंथ बड़ा हो जाएगा, जस्ट आपको सोचने का तरीका बताया हूँ, लाइंस आने वाले आप किसी प्रॉब्लम को जितना पॉइंट मैंने दिया उससे आपका इजीली हो जाएगा, चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो या सीटी का हो। थैंक यू।